अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर अफियत से होंगे। तो ना जुल्म हो रहा है और जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम उम्मा खामोश है और कोई भी अमल नहीं कर रहे। अगर मुस्लिम उम्मा चाहे तो एक घंटे के अंदर अंदर इसराइल को सफ़ास्ती से मिटा सकते हैं। इतने मुसलमान हैं मगर किसी में कोई पावर नहीं है, ना कोई कुछ करने को तैयार है। हर कोई अपने आप को बचाने के लिए लगा हुआ है। भाई ये दुनिया इधर ही रहनी है, मर जाना है, दुनिया ख़त्म हो जानी है, दुनिया फना हो जानी है, इसलिए कुछ अमल करो और मारो इनको। बच्चों को शहीद किया, बूढ़ों को शहीद किया और मरीज़ जहाँ पे अस्पतालों पे दाखिल हैं वहाँ पे धमाका हो रहा है। यार कैसा जुल्म कर रही है इसराइल पे, वहाँ पे बच्चे शहीद हो रहे हैं। वो तो चलो जनती हैं, सब जो शहीद हुए वो जन्नत में जाते हैं और वो हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दुनियादारी ज़िंदगी से। तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जितनी हमारी ताकत है उसके हवाले से, उतनी ताकत हो उतना बोलो। चाहे ज़बान से कुछ कर सकते हो ज़बान से करो, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, और जंग करके रोक सकते हो तो जंग करके रोको। तो ये हमारा दीन कहता है, मगर हम लोग आजकल दीन को भूल गए हैं, दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। हर कोई ये कहता है मैं ना मर जाऊं, मगर मरेगा है, हर कोई मरेगा, लाजमी मरेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर शबीर।